अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भंड हो गया सीज़न 3 कब आएगा, भंड हो गया सीज़न 3 आएगा इस रमज़ान क्या नहीं, हम लोग भंड हो गया सीज़न 3 का वेट कर रहे हैं, क्या सीन है। तो मैं ये बता दूं आपको कि भंड हो गया सीज़न 3 को बिल्कुल आना था इस रमज़ान को, सब चीज़ रेडी थी, आपकी स्क्रिप्ट रेडी थी, स्टोरी रेडी थी, हम लोग प्री प्रोडक्शन में चले गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 के वजह से सब चीज़ें रुक गई। हम लोग सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे, लॉकडाउन भी हो गया था और सब चीज़ें रुक गई वहाँ पे। तो इंशाल्लाह जब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, भंड हो गया सीज़न 3 विल रिज्यूम, हम लोग प्रोडक्शन में जाएंगे और हम लोग आपको अपडेट्स देते रहेंगे, और जब तक आप लोग भंड हो गया सीज़न 2 देखें। समी, तुम अभी तक अफ्तारी कर रहे हो, सब चले गए हैं करके। तुम इस बहाने से बैठे हो ना कि तुम्हें पढ़ना ना पड़े। इम्तिहान होने वाले हैं, इम्तिहानों की तैयारी करो, फौरन उठो, नमाज पढ़ो और पढ़ने बैठ जाओ। हर वक्त ही तो पढ़ता रहता हूँ मैं, हर वक्त कहते हैं पढ़ते रहो, हर वक्त पढ़ता ही तो रहता हूँ मैं। यार क्या बकवास है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। समी जी, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे 1-2 घंटे लग जाएंगे टेलर के पास। जी दोबारा से गेम स्टार्ट मत कर देना, ओके? ठीक है। अरे समी है। हेलो। हाँ जैजी, क्या कर रहा है? हाँ यार मैं तो पढ़ रहा था, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि तुम इधर आ जाओ, तुम्हें मुश्किल हो रही होगी ना, तो हम दोनों साथ मिलके पढ़ लेंगे, आसानी हो जाएगी। हाँ वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो, चल मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा सुन, हाँ आते हुए ना कुछ स्नैक्स वगैरह पकड़ लेना, और कोल्ड ड्रिंक भी ठंडी, पिछली दफा की तरह ही गर्म उठा के ले आए। अच्छा हाँ ना, ठंडी ही लाऊंगा, पिछली बार गलती हो गई थी, एक तो तुम वो बात पकड़ के ही बैठ गए। मैं तो बस याद दिला रहा था, जल्दी आ जा, बहुत पढ़ाई करनी है, मैंने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया है। बस मैं निकल रहा हूँ थोड़ी देर में, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। 15 मिनट और सो लेता हूँ मैं। अरे बाबर भाई कैसे हैं आप, रोजे कैसे जा रहे हैं? अच्छा ये ले लेता हूँ, और हाँ ये भी ले लेता हूँ। अरे कोलार यही चाहिए था मुझे, और बिस्किट है ये कौन से? हाँ चलेंगे, बस यही था। और पैसे? पैसे हाँ वो हिसाब में लगा दिया। अब पहले की भी तेरे 1200 हैं यार, कहाँ रह गया था यार? तेरे स्नैक्स की वजह से लेट हो गया मैं, बता कितनी तैयारी हुई? कुछ नहीं पढ़ा मैंने यार, हालत खराब हो रही है मेरी। चल आ जा। पता क्या हो, बाबर भाई पैसे मांग रहे थे तुम्हारे, मैंने बोला समय दे देगा। मैं हाँ खैर अब टेंशन नहीं ले, मैं आ गया, अब दोनों भाई साथ मिलकर पढ़ेंगे पूरी रात और ए मारेंगे हम दोनों। क्या लेके क्या है? चिप्स और कोला जैसे तूने बोला था। अबे फिर से गर्म उठा के लाया, बोला भी तो ठंडी लेके आना। यार बाबर भाई ने अभी अनपैक किया था, सारी ठंडी उनके पास खत्म हो गई थी, तो यही था हमारे पास ऑप्शन, अब रख दे इसको फ्रिज में। मैं फ्रिज में रख रहा हूँ जब तक हम ये खाते हैं और टीवी देखते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे ये ठंडी पी के। चल जल्दी आ। रिमोट कहाँ है? ये रहा। ये ले। क्या चमकेंगे आपकी किस्मत के स्टार्स? क्या जीतेंगे आप 5 करोड़ फ्रॉम कोलार? विनिंग कैप टुडे और हो जाएं ओवरनाइट मालदार।
मैं यही ड्रिंक लेकर आया हूँ, कोला आर्ट। ये सब स्कैम होते हैं, ड्रामा है। जो विनर्स होते हैं ना, वो भी प्लांटेड इनके अपने बंदे होते हैं। खाली कोल्ड ड्रिंक बेचने का तरीका है और कुछ नहीं। हाँ ये भी है। वो सोच, 5 करोड़ मिलता है, 5 करोड़। क्या देख, मैं तुझे प्रूफ कर सकता हूँ ये सब झूठ है। रुक मैं भी तुझे दिखाता हूँ, रुक। ये देख, खोल, अभी दिखाता हूँ। ये देख, ट्राई अगेन, बोला ना, अपनी खोल। ये दिखा, अपनी दिखा, मैं खोलता हूँ। ये देख, है ना, ट्राई अगेन, बोला था ना मैंने, तू ना सुनता नहीं मेरी बात। समी, इस पे ट्राई अगेन नहीं लिखा हुआ है। विनर 5 करोड़। कौन बनेगा करोड़पति? हम बनेंगे करोड़पति। यार मुझे ये किनारे, मेरे हाथ कांप रहे। ये ढक्कन देख, हम जीत गए। मुझे एक चमाट मारो। खेलो। और ये किनारा है। रुक रुक, पहले पहले इसको पढ़ तो ले, इसके साथ करना क्या अब? अरे हाँ, डियर लकी विनर, वो हमें ब्रिंग द विनिंग कैप अलोंगसाइड योर एनआईसी टू कोला आर हेड ऑफिस टू क्लेम योर विनिंग प्राइज। ठीक है, एक काम कर, तू आज रात यहीं रुक जा, सुबह उठते ना सबसे पहला काम यही करते हैं, ठीक है? जबरदस्त, बहुत आला, चलो पढ़ लें थोड़ा। पढ़ने, पढ़ाई पढ़ाई की किसको जरूरत है? हम पढ़ाई क्यों कर रहे थे? ताकि अच्छे नंबर आए। अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी जीपी आएगी, अच्छी जीपी आएगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी होगी तो अच्छे पैसे आएंगे। हमारा तो शॉर्टकट लग गया, 5 करोड़ रुपए आने वाले हमारे पास, करोड़पति बन गए, पढ़ाई की जरूरत है। हमें सही बोल रहा है तू, चल चल करते हैं, चल करते हैं, चल अंदर चल रहे, अम्मी आने वाली होंगी। हाँ चलो चल, ये दूसरा कैब वैसे भी ट्राई गए ना, चल। समय मैं सोच रहा था, तू अपने 2.5 करोड़ के साथ क्या करेगा? यार मेरी ना एक बहुत महंगी सी गाड़ी होगी, उसमें से मैं उतरूंगा स्लो मोशन में, फुल अरमानी का सूट पहन के, गुची के जूते और अच्छे से सनग्लासेस। तू क्या करेगा अपने पैसों से? यार मैं वही सोच रहा था, तूने अलादीन अम्यूजमेंट पार्क देखा है? हाँ हाँ, वो खरीद लेगा। नहीं नहीं यार, बचपन में मेरे अब्बू मुझे लेके जाते थे और सिर्फ मुझे एक राइड में बैठने देते थे। अब मैं जाऊँगा और हर राइड में 6-7 दफा बैठूंगा, उल्टियाँ तो आएंगी बट नहीं, ओह मजा तो आएगा ना। कुछ नहीं हो सकता है ना, मजा नहीं आएगा? सो जाए यार। सोच यार, यार इतनी खुशी में नींद कहां से आएगी? आजा। क्या हो गया? चलना अबे जैसी तेरी खटारा भाई कभी ठीक होगी? यार ऐसे तो ना बोल, नाराज हो जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। वैसे बड़ा चल रही है ये, जल्दी कर ले यार, गर्मी लग रही है। यार लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा, कल रात को जो मैं तुम्हारे घर आ रहा था उस वक्त तो सही चल रही थी। अभी पिछले हफ्ते तू मैकेनिक के पास नहीं खड़ा होता इसको ठीक करा रहा था? यार आजकल मसले कर रही है ना ये, बट टेंशन नहीं ले, तेरे भाई की जब करोड़पति हो जाएगा ना, तेरा भाई 125 लेगा। इतने पैसे आने के बाद तू 125 लेगा? हाँ तो क्या हुआ? मतलब तू कुछ भी बोल सकता था, BMW लूंगा, मर्सिडीज लूंगा, कम से कम हैवी बाइक बोल देता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं,
चल चल। अच्छा इतना टाइम नहीं है कि हम तेरे मैकेनिक का वेट करें, चल रक्षा कर लेते हैं। चल हाँ आ जा। चाबी लिए। हाँ भाई कितने हुए? 200 रुपए। 200 रुपए? 100 रुपए का रास्ता नहीं था? अरे जैसी चिल कर यार, ये ले यार। शुक्रिया भाई। भी लूट लिया इसने? हैं? ये तो बंद लग रहा है मुझे। ये बंद क्यों है? हेलो कोई है यार? आज दिन कौन सा है? कोई गार्ड भी नहीं बैठा हुआ है। ओ आज संडे है ना, ऑफिस तो बंद ही होना था। अब क्या कल फिर से आएंगे? जाहिर है, वापस चलो, गर्मी हो रही है वैसे भी। अभी उसी रिक्शे वाले को रोक लेते जिसने 200 लिया हमसे। खैर है, वो देख वो रक्षा खड़ा है, उसके पास चलते हैं। चला जा। जी दोस्त बोलो भाई। ब्लॉक 15 जाओगे? चलूंगा। कितने पैसे लोगे? कितने दोगे? 100 रुपए लोगे? 100 रुपए लूंगा। ये रहा भाई, देख मैंने बोला ना 100 रुपए का रास्ता है। बन नहीं कोई मानता नहीं। आ जाओ आ जाओ। चलो बैठो बैठो। और कोई साथ तो नहीं है? नहीं बस हम दोनों और एक ढक्कन। ढक्कन? हैदराबाद ढक्कन, मेरे भी मामू वहाँ पे रहते हैं। हाँ वही वही वही। चलो चलो राइड स्टार्ट करूँ? हाँ। अब जो कल अगर हम लोग यहाँ आ रहे हैं तो हम कल यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे? यार तुझे कल ही तो समझाया यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत। रिक्शा साइड में लगाओ, रोक ब्रेक मार, जल्दी रोक, मोबाइल निकाल, जल्दी कर, जल्दी कर मोबाइल निकाल, दे जल्दी जल्दी करो, मोबाइल निकालो, पैसे निकालो सब कुछ। यार मारियो नहीं यार, हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते। स्टूडेंट तो मोबाइल नहीं होगा क्या? जल्दी कर। और क्या? ओ हाँ ये ढक्कन है। ढक्कन? तुमने क्या हमें एडियट समझा हुआ है? हाँ। रख अपने पास, बेकार आदमी। चल 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 चल, पुलिस आ जाएगी। बैठा रहे वरना गोली मार दूंगा। चले गए। बाबा तुम लोग सही तो हो ना? हाँ हम ठीक हैं। परेशान नहीं हो, देखो शहर है ही ऐसा, बहुत बुरे हाल आते हैं भाई। मैं शाह फैसल में रहता हूँ, मेरे घर में अंदर घुस के मेरा पलंग ले गए। हाँ अब क्या कर सकते हैं। हाँ जैसी तू ठीक तो है ना? हाँ यार। तू भागा तो नहीं? तू ढक्कन क्यों दे रहा था उन्हें? अबे जब उसने बोला और क्या, मैं डर के मारे मैंने ढक्कन दे दिया। तू ढक्कन इधर दे, ढक्कन अब मैं संभालूंगा, तू गिरा देगा। ये आगे पहुंच गए तुम लोग? कहाँ? इधर इधर। हम ना आपको पैसे ऊपर से लाके दे देते हैं, ठीक है? अरे भाई पैसे छोड़ो, भाड़ में जाएं और ले जी, इतनी तुम्हारे साथ हैंड हो गया है। तुम लोग मेरा ये कार्ड रखो, ठीक है? तुम स्पेशली रखा। वाह सर। कभी भी सवारी चाहिए बोल, अलाबक्त पहुंचो, ठक, रात के 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, जितनी हुए ब्लॉक 15, 13, 14 आ जा, मैं आ जाऊंगा। हितित। अरे वाह यार लाभक्ष भाई, आप कितने अच्छे इंसान हो भाई, तुम ज्यादा अच्छे आदमी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके अरे अल्लाह बख्श, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत, आप कितने अच्छे आदमी हो। ओके खैरियत, चले जाओगे ना यहाँ से? हाँ गुड बॉय। खैर यार टेंशन नहीं ले, देख जान का सच्चा माल होता है, पुरानी चीज जाएगी तो नहीं आएगी ना। हाँ वैसे रिक्शा वाला बड़ा अच्छा मिल गया। हाँ अल्लाह बख्श। आंटी हम आपकी मदद कर देते हैं। हाँ उन्हें अफ्तारी यहीं करनी पड़ जाएगी। हाँ अच्छा बेटा, ये रख लो, ये लो। आए इतने अच्छे बच्चे हो, आजकल के बच्चे तो इतने जल्दी में होते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। सही कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। चले चले चले, आ जाओ बेटा आ जाओ, ये सामान इधर रख दो मेरा बच्चा। यहाँ रख दें? जी जी इधर रख। यहाँ ये रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम लोगों का। नानी आप आ गई? जी बेटा मैं आ गई। बेटा ये नीचे से सामान लेकर ऊपर तक आए हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, ये किचन में रख दो। जी नानी। बेटा मैं तुम लोगों से पानी और चाय का नहीं पूछ सकती, हाँ ये कह सकती हूँ शाम में अफ्तारी मेरे साथ करना। अरे हाँ बिल्कुल आएंगे, आएंगे ना।
अरे नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हमारा फर्ज था। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, आ जाना कोई नहीं, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आप। मुझे बहुत शुक्रिया, मुझे खानी है, मैं खाऊंगा। जीते रहो जीते रहो, अल्लाह हाफिज। अबे आंटी, हर वक्त इतना सामान लेके आती क्यों? पर और आज तो दो भांड एक साथ हो गए, एक तो फजूल में हम ख्वार हुए वहाँ पे, दूसरा सबसे बड़ा भांड हमारा मोबाइल वॉलेट सब छीन गया। अरे खैर है यार, कल जब पैसे आएंगे ना तुझे नया आईफोन एक्स दिलाऊंगा, ठीक है? खुश हो जा, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, वैसे ही बहुत गर्मी हो रही है, रोजा भी लग रहा है। तो कैब अंदर साथ लेके जाएगा क्या? दे इधर। अबे जय जी, क्या हुआ? कैब नहीं है यार। क्या बात कर रहा है तू, यहाँ रखा था? हाँ हाँ, मुझे भी पता है, तेरे देखने से हाथ थोड़ी जाएगा। अबे तू रिक्शे में बड़ी बातें बोल रहा था कि कैब मुझे दे दे, तू संभाल नहीं पाएगा, फलाना ढिमकाना, अब किस निकल रहा है कैब? कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? यार उस रिक्शे वाले को फोन कर, उसने तुझे अपना नंबर दिया था ना, उसी में गिरा होगा, बता रहा हूँ मैं। तू फोन कर, तूने गिराया? तू फोन करना, बड़े गले मिल रहा था उससे, दोस्ती बना रहा था। करता हूँ, फोन तो दे, फोन है नहीं हमारे पास। हाँ मैं अम्मी से लेके आता हूँ। खराब हेलो हेलो अल्लाह बख्श भाई। हाँ बोल रहा हूँ जी। वो अभी हम आपके रिक्शे में आए थे, हमारा फोन चोरी हुआ था, फिर हमने छोड़ा, आपने अपना कार्ड दिया, फिर हम गले मिले थे। अरे डाकू मिल गए, सामान मिल गया? नहीं वो तो नहीं मिले। फिर असल में हम आपके रिक्शे में कुछ भूला है, तो आप वापस आ सकते हैं? अरे बबलू, डाकू सारा कीमती सामान ले गए, क्या भूलोगे आप? हाँ वो तो ले गए, बट एक छोटी सी चीज है, बस वो लेना था मैं, तो आप दो मिनट भी आ जाएं प्लीज। मिस कर रहे हो तुम मुझे? मैं आ रहा हूँ, रखो रखो, नए दोस्त बन गए, चलो भाई स्टार्ट करो। अरे 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 यार, वैसे बॉयज मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कीमती सामान है क्या? जैसी ने आपको बताया ना, जरूरी सामान है कुछ। पर वो डाकू तो सारा कीमती सामान ले गए, वॉलेट, कीज, फोन, तो क्या कीमती सामान है क्या यहाँ पे? वो नोट्स। कंगी नोट? मेरा मतलब है इसके नोट्स और मेरी कंगी। हाँ मेरी भी कंगी गुम होती रहती है। हाँ। यार समझ में कैब मिला? अरे लड़के बोल, पूरा रक्षा जान मारा है, कहीं नहीं है कैब। यार ये आगे भी नहीं है कहीं, कहाँ चला गया? ओए रिक्शे के बाद हम लोग कहाँ गए थे? आंटी की ग्रोसरीज। ओ हाँ वही होंगे, वही होंगे, चल 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 चल। अरे अल्लाह बख्श भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से, आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से एक ढक्कन के लिए आए। ढक्कन? ये पागल है, अपने आप को ढक्कन कहता है, बेवकूफ है ना। हाँ। बेवकूफी में सामान घुमा दिया है। वो मेरा चश्मा रह गया था, तो शायद घर में ही होगा, गलती हो गई। चश्मा? वो कंगी नोट्स नहीं थे? हाँ चश्मा नोट, चश्मा नोट, कंगी, हम सब भूल गए, सब 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 भूल गए। अरे इतनी जगह तो नहीं है इधर, बैठो तुम दोनों यहाँ, मैं अफ्तारी लेकर आती हूँ। आ जाते हैं मुंह उठा के। अबे पे नहीं बैठ, उधर गई 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 गई, तू उधर देख, मैं उधर देख रहा हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है। अरिता बेटा, टेलर ने आज देने थे ना तुम्हारे कपड़े? जी नानी, उसने बोला था शाम तक ले जाएगा। ठीक है फिर अफ्तारी के बाद चलते हैं, अभी ये खजूरें तो ले जाओ। जी नानी। अबे यहाँ तो नहीं है। इसके अंदर देख, इसके अंदर देख, ये देख इसकी नाक नहीं है। स्मेल कैसे कर रही है चीजें? गई गई गई, इसके अंदर होगा, इसके नीचे होगा कंफर्म। तो नहीं है यार, मैं ऊपर देख, अरे इसके नीचे होगा। क्या कर रहे हो तुम दोनों? असल में हम टीवी का रिमोट ढूंढ रहे थे, इसलिए वो अगर टीवी नहीं चलाएं तो कैसे पता चलेगा कि इफ्तारी का टाइम कब होगा। ये सामने रखा हुआ है टीवी का रिमोट।
अच्छा ये यही तो था, असल में हम समझे ये एसी का रिमोट है। अच्छा आ जाओ बेटा, आ जाओ, अफ्तारी करो, जल्दी करो। बहुत मज़ेदार अफ्तारी थी आंटी, ओह बहुत मज़ा आया। और ये छोला, ओहो अभी मैं ले रहा था यार। यार दे यार बेटा, सब नहीं, ओके अल्लाह हाफिज़ आंटी, यार सब नहीं खा लेना, मुझे दे यार। इसमें नहीं बची, अब इसमें बचा क्या यार। हाँ भाई, हो गया तुम दोनों का, तो उठो निकलो यहाँ से। हम सोच रहे थे हम बैठेंगे तो चाय वाय पियेंगे। ओ हेलो, हमें अभी निकलना है, तो जल्दी उठो चलो फटाफट। मेरे लिए बचा लेता यार। अभी सिर्फ लाउंज देखा है, असल ग्रोसरी जाती है किचन में। अरे हाँ, वहाँ तो देखा ही नहीं हमने। यार एक काम करते ना, अभी रिदा क्या बोल रही थी कि मैं और नानी जाएंगे दर्जी के पास 10-15 मिनट में, तो जब ये लोग निकलेंगे ना हम लोग घुस जाएंगे घर में, पूरी घर की तलाशी करेंगे, इवन द किचन। सही कह रहा है, नजर रखनी पड़ेगी। अरे यार मैं बताना भूल गया, कल से मैं तेरे साथ हूँ, अम्मी घर पे अलग परेशान हो रही होंगी। एक काम करना, जब हम घर जाएंगे ना तो एक स्पेयर फोन दे देना, मेरा फोन तो बन जा रहा होगा। फिक्र नहीं कर, मैं दे दूंगा, थोड़ी देर की बात है। कल सुबह जब कोला आर का कैप उनको देंगे, करोड़पति हो जाएंगे हम। अम्मी को फोन गिफ्ट कर देना, एक आईफोन एक्स। सही है, आजा एक्स, आजा आजा। सही से लगा, पता नहीं चला, इसमें भी कुछ नहीं है। सही से लगा। अरे भावर भाई कैसे हैं आप, रोजे कैसे जा रहे हैं? ठीक लेने हैं, ये भी ले लेता हूँ। अरे कोलार यही चाहिए था मुझे, और बिस्किट है, ये कौन से? हाँ चलेंगे, बस यही। ओ पैसे, पैसे हाँ वो हिसाब में लगा दिया। और पहले भी तेरे 1200 थे। तूने ऊपर वाले चेक किए थे? अरे वो तो मैं भूल गया, पहले बोला था कि ऊपर वाले चेक करना, ले गया वो उसमें से। अब ये खोल के देखो। अरे हमीद भाई को देख। कब जाएंगे लोग? क्या बूढ़ी आंटी है, तुम्हें पता है स्लो चलती हैं। याद नहीं दोपहर में कितना स्लो चल रही थी सीढ़ियों पे। वैसे भी देखा जाए तो भंड उन्हीं की वजह से हुआ है पूरा। सही कह रहे यार, वो ना होते, उनके ग्रोसरी बैग ना होते तो कोई भंड ही ना होता। ओए आ गई अंदर, कैसे घुसेंगे यार? एक काम करते हैं, डंडी है, डंडी कहाँ से आएगी? ये भी घुसा देंगे इसके अंदर। कार्ड है तेरे पास? कार्ड मेरे पास होगा, वो आप वॉलेट छिन गया। अरे यूनिवर्सिटी कार्ड मैं अपने वॉलेट में नहीं रखता, मेरे जेब में। ये घुसा घुसा। नानी आप जाके लेटे, मैं आपके लिए गर्म दूध ला दूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना। जल्दी आ। एक सेकंड, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो?
वो हम इफ्तार पे आए थे ना यहाँ पे। हाँ तो चोला चाट बहुत अच्छी थी पता है। हाँ हाँ बहुत मजे की थी और मुझे तो मिली भी नहीं, सारा ये खा गया। अच्छा चोला चाट खाने के लिए इस तरह चोरों की तरह घुसोगे तुम दोनों? नहीं नहीं हमने घंटी बजाई थी बट कोई था ही नहीं घर पे तो हम ऐसे ही घुस गए। जब तुम दोनों सुबह नानी के साथ आए थे ना मैं उसी वक्त समझ गई थी कि कुछ चक्कर चल रहा है। चोरी के बहाने से आए थे ना तुम लोग अफ्तारी पे यहाँ पे, चक्कर से ही चोर लगते हो। अभी इसी वक्त निकल जाओ नहीं तो मैं गार्ड को बुला। नहीं 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 गार्ड को बुलाने की जरूरत है, हम ऐसे ही जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। अच्छा जाने से पहले अगर थोड़ी छोला चाट मिल जाए। छोला चाट खाओगे या चप्पल खाओगे मेरी? नहीं के चक्कर में आए थे ना ये दोनों, ये कैब तो सिर्फ मेरा है। ओ नानी ये क्या हो गया भाई? भंड हो गया और क्या, अब हमें इसके घर में दोबारा घुसना पड़ेगा। ओ भाई माफ कर मैं नहीं जाने वाला वापस। रिजा का गुस्सा देखा था तुमने, जूते मारने वाली थी हमें। यार देख मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? जब रिदा सुबह यूनिवर्सिटी के लिए जाएगी ना इसके घर में घुस जाएंगे आंटी की हेल्प के बहाने। हाँ मगर कैसे घुसेंगे? वो तो मुझ पर छोड़। पक्का घुस जाएंगे ना? हाँ हाँ ढक्कन मिल गया, करोड़पति बन जाएंगे करोड़पति। चल और वही एक डबल रोटी तो दे दे। अबे दुकान बंद हो गई। बाबा भाई दे दे, अम्मी बहुत मारेंगी वरना लेके जाने है सामान घर। अच्छा आ जा अंदर। बाबर भाई वो एक डबल रोटी चाहिए थी छोटी। काम करे बड़ी दे दे। बाबू छह अंडे भी दे दें। बाबू मिर्चे भी चाहिए। अब बाबर भाई वो दही भी दे दें। नहीं नहीं ये वाली नहीं बाबर भाई, ये मीठी वाली है, सालन वाली दे दें। और कुछ नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा था कि आप बताएंगे कितने पैसे हुए। तो बेटा पूछते हैं ना, 260 रुपए। ये ले बाबू भाई। मैं 5,000 का नोट। छोटू जाओ ऊपर से भाभी से खुला लेकर आ। बाबा आपने इतनी गर्मी में ये क्यों पहना हुआ है, तो क्या ठंड लग रही है? दाद भाभी के लिए खुला तो नहीं? ओ खुला नहीं होए। अच्छा चले मैं आपको 260 रुपए ही दे देता हूँ। अबे तेरे पास खुला था तो पहले क्यों दिया नोट? वो असल में क्या है ना बाबर भाई, वो 5,000 रुपए का खुला भी हो जाता और 5,000 का नोट चलाने में थोड़ी मुश्किल होती है ना। ये अरे तुम करोड़पति बनने जा रहे हैं, तुम्हारी अम्मी काटे लेने भेज रही है हमें। यार तो क्या हो गया, रोज मैं अकेले जाता हूँ, तुझे रख लूँ साथ थोड़ी कंपनी मिल जाएगी। यार 20 मिनट और सो सकता था सैरी से पहले, अच्छा ख्वाब देख रहा था मैं। चेक तो करो क्या फनी जोक बनाया पठान पे यार। शर्म नहीं आता? किस बात का शर्म? पठान का जोक पे हंसता है, इसका मतलब तुम अपने आप पे हंस रहे हो। हमारा मजाक कैसे उड़ गया यार, इसमें हमारा नाम थोड़ी है, पठान का नाम है। हमारा मजाक उड़ता तो हमारा नाम होता है इसके अंदर मोहब्बत खान। कैसे पठान वाला बात किया यार? जा भाई नफरत खान दिमाग नहीं खराब करो, पराठा बनाओ। मोहब्बत खान क्या वो दिमाग से एक बात याद आया? क्या बात? वो कल हमने अमेरिका को धर्म भरम कर दिया। धर्म भरम कर दिया कैसे? हमने $2 चलाया।
उसका तुम तो अमेरिका को रोड पे ले आए यार। मामा 15 पराठे। 15 पराठे? अरे 15 पराठे कौन खाएगा भाई? अरे मैं खाऊंगा। तुम खाएगा किस चीज से? जो चीज अवेलेबल होगी मैं खा लूंगा, आपको क्या है? वे मर्डा एक बात बताओ, ये ऐसा दुनिया में कौन सा चीज है जिसको खाने के लिए 15 पराठे लगते हो? मामा आप छोड़ो ना, पराठे दो, आप क्यों बहस कर रहे हो? अरे हाँ पराठे दे दो यार, जेल में बंद भी जाते हैं, जल्दी दो, सही करनी है। ओए नफरत खान, ओए तू ज्यादा से ज्यादा कितना पराठा खा लेगा? शायद हम 3 खा लेते, लेकिन परसों 4 पराठा खाया था। अच्छा वो चौथा पराठा तुमने खाया था जिसकी वजह से इन्वेंटरी अनबैलेंस हुआ है, तुम्हारा सैलरी में से काटेगा। जाओ उस्ताद अपना काम करो, पठानों के मुंह नहीं लगता। मामा छोड़ो ना, आपस में बहस बाद में कर लेना, अभी वैसे ही शहरी के लिए टाइम नहीं है, आप लोग बहस कर रहे हो। भाई जान दे रहा है ना, सबर करो। बना हुए सूखे हुए कोफ्ते। यार गुड़ है ये, रख इसको वापस, टूट जाएगा यार। पराठे खाएगा कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। अबे मैं ऐसे डबल भी खा सकता हूँ, भूख लग रही है मुझे। अबे अबे मेरे ऊपर तो नहीं गिरी यार, यार मेरे ऊपर से तू उतर ना। अबे मेरे पास वो जगह नहीं है। अब तो यहाँ कौन सी जगह है? अच्छा अच्छा भाई भाई हमें बता दो, हमें कहाँ लेके जा रहे हो, हमने क्या किया है? 15 पराठे की वजह से तो नहीं उठाया क्या हमें? अबे हाँ पराठे यार, एक पराठे मुझे भी दे दे यार, बहुत भूख लग रही है यार। तुझे पराठे की बड़ी है यार, जान से मरने वाले हम। अभी तो मैंने सारी में मैंने छोला चाट नहीं खाया ना। चुप करो यार, 2 मिनट में समय धड़का दिया तुम दोनों ने। बहुत मजे की छोला चाट थी, मैं आपको खिला दूंगा अगर आप हमें घर छोड़ दें। यार तू चुप हो जा, छोला चाट। अबे हम मर तो नहीं गए, मुझे सब काला काला दिख रहा है। भाई 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 प्लीज प्लीज, हमें नहीं मारना यार प्लीज, और थोड़ा जल्दी छोड़ देना वरना बगैर सेहरी के रोजा रखना पड़ जाएगा पता है। हाँ और वैसे भी इफ्तारी में मैंने सिर्फ एक दफा छोला चाट खाया, बाकी सब खा गया छोला चाट। यार तू छोला चाट से आगे बढ़ेगा, मरने वाले तो ये तो सुना है वो कोलाहार का इनामी ढक्कन तुम दोनों के पास है? वो था वो हमारे पास, ये कहीं गिरा के आ गया। अच्छा हमें गिरा दी, और तू जो सुबह डाकुओं को गिफ्ट कर रहा था फोन के साथ वो? समी तो मैंने सॉरी बोला था ना। सॉरी बोला था, हम करोड़पति बनने वाले थे, तू उनको गिफ्ट कर रहा था वो। हाँ तो एटलीस्ट मैं कहीं गिरा के तो नहीं आ गया ना तुम्हारी तरह। अरे ढक्कन है किसके पास? ये तो हमें भी नहीं पता। हम तो सुबह से घूमे जा रहे हैं बट हमारा सर उल्टा घूम गया, कैब तो नहीं मिला हमें। तुम लोग ये कह रहे हो कि जो इनामी ढक्कन तुम लोगों को मिला था तुम लोगों ने कहीं गिरा दिया? हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं, ये इतना केयरलेस जो है गिरा दिया इसने कहीं। अच्छा भाई मेरे पास ना एक प्लान है, हम दोनों मिलके कैब ढूंढते और फिर पैसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? ओ भाई कैब मेरी बोतल से निकला था, तू तो उनको गिफ्ट कर रहा था ना डाकू को। तू मेरे साथ धोखा करेगा? अरे यार लेके जाओ उन लोगों को, दिमाग की दही कर दी मेरी यार। दही यार, अम्मी ने दही भी मंगाई थी यार। भाई हमें ना मार्केट पे ड्रॉप कर देना, वो दही भी लेनी है, ठीक है ना? सुन रहे हो भाई, सुन रहे हो? दही सिर्फ 1 किलो। हाँ 1 किलो सुन रहे हो? हाँ अच्छा एक पाव। अरे पराठे तो देते हुए जाते वापस। यार आज तो शहरी में ना खाली अम्मी की डांट और सूखी ब्रेड मिलेगी। ब्राउन ब्रेड होगी, असल में मैं डाइटिंग कर रहा हूँ ना। यार तू पागल तो नहीं है? जान के लाले पड़े ब्राउन ब्रेड, फरमाइश रिकॉर्ड चल। यार ये लोग थे कौन और उनको कैसे पता हमारे पास ढक्कन है? यार मुझे लगता है ये सुबह वाले चोर थे, इनको कोलार की स्कीम का पता चल गया होगा तभी आए हमारे पीछे। हाँ चलो शुक्र है हमारे पास ढक्कन था नहीं। और शुक्र है तूने कुछ नहीं बताया कहाँ है। चल अब अपनी अम्मी की डांट सुनो। ये क्या दही पराठे कहाँ हैं? तुम तो दही पराठे लेने गए थे ना, खाली हाथ आ गए। एक तो तुम्हें काम बोल दो तुम्हें मौत आ जाती है। हम लोगों की ही गलती है जो तुम्हें काम के लिए बोलते हैं, और फिर काम करने के लिए भी तुम इतने नखरे दिखाते हो। अब चलो सूखी ब्रेड खाओ और रोजा रखो। ब्राउन ब्रेड मिलेगी ना? चुप कर जा। Thank you.
जाओ रिदा, कुछ ही देर में तुम रिदा से करोड़पति रिदा बन जाओगी। वापसी में थोड़ा लेट हो जाऊंगी। आज गर्मी ज्यादा यार, रोजा भी लग रहा है। हाँ यार। उए उए उए। अरे अरे बावर भाई, इतनी गर्मी में आप इतनी भारी बोतलें लेके जा रहे हैं? वो असल में छोटी छुट्टी पे है ना, तो ये सब काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। अरे कहाँ पहुँचानी है, हमें बता दे, हम पहुँचा देते। तुम लोग पहुँचा दोगे? अरे हाँ हाँ, और वैसे भी रोजे में नेकी करने से डबल सवाब मिलता है। हाँ, और आप वैसे भी इतने ईमानदार नेक आदमी है, अपनी दुकान इतनी ईमानदारी से चलाते हैं। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें नहीं करो, ये आंटी के घर छोड़ के आ जाओ। एनआईसी की जरूरत है? वो तो घर पे रह गया। चाचा एक काम करें, फ्लैट्स की तरफ ले लें। बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग पानी की बोतलें क्यों लेके आए। वो असल में बाबर भाई ना सुबह से बोतलें पहुँचा रहे होंगे घर पे, असल में उनका भी रोजा होगा, वो भी थक गए होंगे, तो हमने सोचा उनकी तरफ से हम पहुँचा दें। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बेटा पानी यहाँ रख दो, रिदा मेरी आएगी ना, अंदर रख देगी। नहीं नहीं, रिदा लड़की है, वो कैसे इतना वजन उठाएगी, ये जैसी रख देगा किचन में। हाँ, मैं रख के आ जाता हूँ ना। हाँ, मैं रख के आ जाता हूँ। अब ये ढक्कन कहाँ है यार? रिदा नहीं आई अभी तक? हाँ बस आने वाली होगी। ओए चलो चलो चलो, बोतलें मैंने रख दी हैं। बोतलें रख दी हैं? बोतलें रख दी हैं। अच्छा चलो चलो चलो, रुको तो। अरे बेटा, अरे जल्दी में आए और जल्दी में चले गए, क्या बात है पता नहीं। चल 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 चल, क्या मिल गया हमें, क्या मिल गया। ओ रिदा गई। नानी मैं आ गई हूँ वापस, अभी निकलूंगी थोड़ी देर में। मिल गया ढक्कन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें अपना ढक्कन मिल गया। कैब दे, कैब दे, ये ले, ये ले। अबे जैसी ढक्कन। हाँ ना, हमारा ढक्कन। ढक्कन ढक्कन गलत है। नहीं 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 नहीं, इतनी मुश्किल से मैं खोदा फाड़ निकला चूहा। नहीं 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 नहीं, क्या तू पागल तो नहीं, देख के क्यों नहीं लाया? अबे मुझे क्या पता, सामने ढक्कन रखा था, मैंने उठा के भाग के ले आया। अब दोबारा जाना पड़ेगा, फिर जाके जाने का वेट करो। नहीं कोई वेट नहीं कर रहे, बस चलो, मुझे अपने 5 करोड़ चाहिए। चलो चलो चलो, चाहिए मुझे 5 करोड़ भाई। क्या हुआ बेटा? यहाँ पे मेरा बॉटल का कैप रखा हुआ था, वो किधर गया? अरे वो मैंने मासी से सफाई करवाई, कचरे में डाल दिया होगा उसने। अरे क्यों, ऐसे कैसे फेंक दिया? एक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये कचरा जमा करने का क्या शौक है? अरे बोतल का ढकना ही तो था। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? अच्छा कहाँ फेंका है कचरा? कचरा कहाँ फेंकते हैं, बाहर डस्टबिन रख के गई होगी, कचरे वाला ले गया होगा। अरे कहाँ जा रही हो भागी भागी? अरे
आजकल के बच्चों की समझ ही नहीं आ रही। अरे एक ढकना ही तो था बोतल का, सोने का तो नहीं था। क्या समझाऊं आजकल की लड़कियां पता नहीं क्या कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरी तो। चल 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 चल। रिदा ये तुम कचरे में क्या कर रही हो? कुछ जरूरी गिर गया है यार, वो ढूंढ रही हो। क्या जरूरी गिर गया है? मैं ढूंढ लूंगी, तुम लोग जाओ यहाँ से। चलो गुड लक। उई हाँ चाची, चाची अगर हमारे पास ट्राई अगेन वाला कैप है हाँ? तो जरूर असली कैप इसके पास है और वो इस कचरे में हाँ? तभी ये ढूंढ रही है। बट ये कैसे कंफर्म है? मैं बता रहा हूँ। चल चल चल। अरे भाई तुम लोग क्यों आ गए? जाओ यहाँ से, मैं ढूंढ लूंगी। अरे पड़ोसी होने के नाते इतना तो फर्ज बनता है कि तुम्हारी थोड़ी हेल्प करा दे। हर जगह आ जाते हैं ये लोग। ये लोग कहाँ गए? करे गए, अजाब बन के आए हैं मेरी जिंदगी में। बहुत हो गया। अबे जैसी रुक क्यों गया? गया? मैं लेफ्ट जाता हूँ, तू राइट जा। ठीक है ठीक है। यार एक मिनट, ढक्कन ने मुझे सॉरी यार लगी थी। नहीं 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 यार, बार बार सोच के दुख हो रहा है कि आज हम शायद करोड़पति होते और इस गर्मी में चलने के बजाय हम लोग अपने एसी वाली गाड़ी में होते। वाह वाह, ओए होए, छोड़ यार, जख्मों पे नमक ना छिड़क। पता है हमारी किस्मत में ही नहीं, हमारी किस्मत में वही मामू की 200 रुपए वाली ईद है बस। मेरे मामू तो सिर्फ मुझे 50 रुपए देते हैं। छोड़ यार, ईद का दिन है, खुश होना चाहिए। अम्मी ने अच्छा सा शीर कोरमा बनाया होगा, घर चल के खाते हैं, दिल खुश हो जाएगा। 5 करोड़ तो नहीं आएंगे ना वापस। इसको देख। अबे इसको तो खेलना नहीं है। ओए डक्कन का, डक्कन का, डक्कन निकल, डक्कन निकल। कौन सा डक्कन? अरे क्या मतलब कौन सा डक्कन, जिसके वजह से हमने पूरा चेस सीन किया। अबे वो डक्कन मैं तुमसे चुरा के भागा, उसके बाद मैं आगे गया रक्षे में बैठा, उसके बाद अब मेरे दिन बदलने वाले। वो डाकुओं ने ना मुझसे वॉलेट लिया ना मोबाइल लिया, ढक्कन ले लिया मुझसे। जैसे उनको पता था कि मेरे पास ढक्कन है। हमारे अलावा और किसको पता था कि हमारे पास ढक्कन है? मेरा
अरे अलाबख्श, वाह यार, वाह यार, क्या लॉटरी निकला तुम्हारी? गरीब आदमी, इट्स नॉट अलाबख्श, अलाबख्श मर गया। आई एम एबी नाउ। एबी? एबी? एबी। और ये लॉटरी है ना, गरीब लोगों की निकलती है, हमारा तो खुला है ढक्कन। ढक्कन? बाबा तुम लोग सही तो हो ना? हाँ, हम ठीक हैं। परेशान नहीं हो? क्या कर सकते हैं। जैसी तू ठीक तो है ना? हाँ यार। भागा तो नहीं, ढक्कन क्यों दे रहा था हमें? वो सब चीजें मांग लेते तो मेरे दिमाग में आज ढक्कन भी दे दूं। ढक्कन इधर दे, गिरा देगा तू कहीं। सॉरी यार, गलती हो यार। तभी तुम्हें कैब मिला? अरे लड़के बोल, पूरा रक्षा छान मारा है, कहीं नहीं है कैब। रिक्शे के बाद हम लोग किधर गए थे? आंटी, आंटी की ग्रोसरीज। चल। अल्लाह बख्श भाई, आप कितने अच्छे इंसान हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से एक ढक्कन के लिए आए। ढक्कन? अब ये पागल है, अपने आप को ढक्कन कहता है। हाँ। बेवकूफी में जबान घुमा दी। पांच करोड़ रुपए कोला आर, विनर को गंजा भी मिलेगा। ढक्कन? हाँ, ये ढक्कन है। ढक्कन क्यों दे रहा था हमें? ढक्कन, ढक्कन, ढक्कन। जान के लाले पड़े, ब्राउन ब्रेड, फरमाइश रिकॉर्ड। चल। मेरे दिन बदलने वाले। वाह, क्या फ्लैशबैक था। चलो अब गरीब पीपल्स, ये रखो, गाड़ी पार्क कर लेना, स्मेल नहीं करना गाड़ी में, और थोड़ा शावर ले लिया करो। चलो मैं ये बच्चों को ये ईदी दे के आऊं। आ जाओ इम्तियाज झूठू। और ढक्कन, इस बंदे पे शुरू से ही शक था मुझे, इतना मेहरबान क्यों हो रहा था? आस्तीन का सांप निकला ही है। मिस्टर एबी, एक करोड़ तो दे दे। एक्शन! तो ये हो गया, हमारा बंद हो गया सीजन 2, एंड इट फाइनली कम्स टू एन एंड। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वेब सीरीज पसंद आई होगी। और बताते चलें कि एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि हम लोग अब एक और वेब सीरीज पे काम कर रहे हैं जो जल्दी रिलीज होगी। मगर हाँ, उसके लिए मगर आपको सब्सक्राइब करना चैनल और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम सब की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। थोड़ा लेट हो गया। हाँ, अगर आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं नेक्स्ट वेब सीरीज में, तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताएगा, हम वो भी ऐड कर देंगे। तो कमेंट करें, टाइटल भी सजेस्ट करें, हो सकता है कोई एक सेलेक्ट हो जाए। हाँ, तो अल्लाह हाफिज़। मेरे पास ढक्कन है, तो भूल क्यों रहे? ढक्कन, 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 ढक्कन दे। कौन सा ढक्कन? और तू हमसे चोरी करके लेकर गया था कल। इसको पता था। तू सही बोला भाई। अब गाड़ी पकड़ो। अबे ओकरो, एक लाख एक करोड़। वो मुबिंदर अभी ये मुबिंद भाई, क्या हो गया है? रोज मैं खेले जाता हूँ ना, सोचा आज तुझे बंदर फोन कर रहा है। यही तो हम कह रहे हैं, इसकी केले से एडिट बाकी इसने खा गया। तो मुझे बदल रहा तू मार ले उनके तबला टू वेट पूरा रक्षा छान मारे। कहीं नहीं है नोट्स, कहीं नहीं है, पता है बाबू अंदर क्या हो गया।
जो बिकता है ना, जो दिखता है, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, बोल ड्रिंक मेरे को बोल रहा, जो दिखता है ना वो भी विनर जो होता है। अबे यार, अबे जैसी मैं बोल दूंगा 5 करोड़ तू बोल ही नहीं रहा, मैं बोला बोले आप बोले। हाँ भाई सही कह रहा तू, हमें ताली नहीं मारी, तुम्हें बोला यूं मारूं चोरी के बहाने से यहाँ पे दोबारा आए। ठीक है वही कंटिन्यू आएंगे, यहीं से आएंगे। चार्ज मिल सकती है ना? छोड़ा नहीं, तुम्हें चप्पल मिल लिए। असल में हम आए थे बट कोई था ही नहीं घर पे, तो हमने घंटी बजाई, कोई नहीं के क्या था मेरा। चोरी के बहाने से। सही है। अबे समी ऊपर ऊपर नोट नोट दिया। चलो समी थोड़ा बटन पीछे ऊपर ऊपर नोट आ रहे, नोट ज्यादा पकड़ने की कोशिश कर रहा। एक गिरी नहीं डायलॉग देने में कहाँ पे थे यार? अभी पिछले हफ्ते। क्या आपको पता चल सके नेक्स्ट एपिसोड कब आए? पीछे आवाज आ रही है, मैं फुल में एक्टिंग कर रहा हूँ। खाली हो तुम दोनों? अरे हाँ ना, वैसे भी रोजे में नेकिया करना, नेकिया करने, नेकिया का सवाब मिलता है। नेकिया करने से आप हमारे क्या था? परी जाग रही है पीछे। लर समझ, एक काम कर लेते ना, जाके मस्जिद में जाके राम कर लो। मुझे वाकई में नहीं मिल रहा था। यहीं से निकाल। नानी है? हाँ। रीता भी नहीं आएगी, तू आके रख के देगी खुद उठा के। कचरा ढूंढ रहे? नहीं, 1 2 3 यहीं से आएंगे। रिधा क्या ढूंढ रही हो? कुछ जरूरी गिर गया, वो ढूंढ रही हूँ। कुछ जरूरी चीज गिर गई है क्या यार? कुछ चलो गिर गया, मैं क्यों का वेट कर रहा था। रिधा मैंने बोला हाँ ये एक और बार टोपी हटा के, चलो टोपी संभाल। 1 2 3 आए। मोड़ा मोड़ा डायलॉग था यहाँ पे। हाँ खैर दे 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 दे। हमें अटक गया था। जी यार पराठा बना भाई, दिमाग खराब नहीं करे यार। दिमाग से जरूर असली कैप इस कचरे में, ये तभी बैठी है कचरे में। कैसे पता?